हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडुटेप ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश पेडागॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, कि क्या ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट मेथड का। पहले तो ये पता हो कि जो ये डायरेक्ट मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के काफी सारे मेथड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, CLT अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, काफी सारे मेथड्स हैं। मैंने एक यूट्यूब की फ्री वीडियो में पहले आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में ये इंग्लिश पेडागॉजी के मेथड्स आपके डिस्कस किए हुए हैं। जो भी बच्चे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बारी वो ये मेथड्स की वीडियो भी देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो आपका डायरेक्ट मेथड है, इट इज टीचिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज यूजिंग द सेम लैंग्वेज एंड नॉट द मदर टंग। ठीक है, इस लाइन का मतलब है डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें टारगेट लैंग्वेज पढ़ानी है, चाहे वो हमें इंग्लिश पढ़ानी है, चाहे वो हमें हिंदी पढ़ानी है, चाहे वो हमें पंजाबी पढ़ानी है, वो उसी सेम लैंग्वेज में पढ़ानी है। उसको मदर टंग में बच्चे की ट्रांसलेट करके नहीं समझाना है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूं। अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक इंग्लिश की लाइन हिंदी में आपको समझा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर तो मैं ऐसे करती हूँ, ये वाला मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि टारगेट लैंग्वेज को, सपोज मेरी मदर टंग क्या है, हिंदी है, मैं उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। बट डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं करते। डायरेक्ट मेथड का मतलब जो आपकी लैंग्वेज है आपको उसी लैंग्वेज में समझाना है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाना है, हिंदी को हिंदी में ही समझाना है, एंड पंजाबी को पंजाबी में ही समझाना है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं आपके, पहला ऑप्शन कहता है कि टू इंक्रीज पावर कॉम्प्रीहेंशन, जो बच्चे कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करते हैं उसकी पावर को इंक्रीज करना। टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, बच्चों की आपस में बातचीत को इंक्रीज करना। या सी ऑप्शन है, टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, जो भी बच्चे को टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश हिंदी पंजाबी, जो भी, उस पर प्रॉपर अच्छी कमांड पकड़ना, या बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करना। वैसे तो ये बहुत इजीली आंसर पता लग रहा है, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी दी है डायरेक्ट मेथड की, कि इसका आंसर क्या होगा, सी, कि हमने बेसिकली जो बच्चे की कमांड है वो टारगेट लैंग्वेज पे काफी स्ट्रांग करवानी है, इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इस मेथड का यही है, जो भी टारगेट लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज में उसको स्ट्रांग करना, उस लैंग्वेज में उस पर एक कमांड लेके आना। जैसे आप यहाँ की पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे इंग्लिश में बात करें एक दूसरे से, मतलब ये कौन सी इनकी जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में ही आपस में बात कर रहे हैं और ये अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो ये आंसर होगा, आंसर विल बी सी। ये थोड़ी सी मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है, वो एक बार ही आप पढ़ सकते हैं इसको। द डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, दैट इज इंग्लिश बेसिकली, विच कंसिस्ट दैट ओनली द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन क्लास एंड मीनिंग शुड बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली बाय एसोसिएटिंग द स्पीच फॉर्म्स, चाहे आप एक्शन यूज करके समझाओ, चाहे ऑब्जेक्ट यूज करके, चाहे माइम्स यूज करके, चाहे गेस्चर यूज करके, चाहे सिचुएशन, जैसे भी आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो आप, जैसे भी पढ़ाओ, ठीक है, बस मेन इसका मोटो यही होना है कि हमने बच्चे को उस लैंग्वेज में स्ट्रांग बनाना है और उसी लैंग्वेज में उसे समझाना है, मदर टंग में नहीं समझाना, जो भी उसकी मदर टंग है सेम उसी लैंग्वेज में उसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो ये CLT अप्रोच है, दैट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है इंग्लिश पढ़ाने के लिए। CLT अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन लर्निंग बाय, किस पे एम्फेसाइज करती है, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करना, यूज कि मतलब लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज हो, या प्लेइंग हो। CLT अप्रोच अगर मैं एक बारी फिर बताना चाहूंगी, इट इज दी फाइव कह लो बाय फार दी बेस्ट अप्रोच है फॉर टीचिंग इंग्लिश। बेसिकली ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, जिसमें हम बच्चों को स्ट्रेस करते हैं कि वो जितना कम्युनिकेट करेगा, जितना लैंग्वेज को यूज करेगा, उतना ज्यादा उसकी जो इंग्लिश है या हिंदी है, वट एवर लैंग्वेज है, वो अच्छी होगी जितना उसका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही कहा गया,
है जो ये CLT अप्रोच है ये फोकस करती है ऑन द यूसेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, वहां आपको ऑप्शन में यूसेज भी लिखा आ सकता है या आपको ऑप्शन में जैसे ये यूज लिखा हुआ है ये भी लिखा आ सकता है। यहाँ पे हम साइड में एक बारी पढ़ लेते हैं, CLT एज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी दैट एम्फेसाइजेज ऑथेंटिसिटी इंटरैक्शन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज हैं एंड कम्युनिकेशन फॉर द रियल वर्ल्ड एंड मीनिंगफुल पर्पसेस। जो भी क्लासरूम के अंदर आपकी रियल लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को आप प्रैक्टिस करते हो, आप डिस्कस करते हो टीचर के साथ, जितना आप कम्युनिकेट करोगे, जितना आप यूसेज करोगे ऑफ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, ठीक है, उतनी आपकी जो कमांड है ओवर लैंग्वेज वो अच्छी होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। द कम्युनिकेटिव अप्रोच सीक्स टू मेक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज यूज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड लैंग्वेज यूज अ फोकस ऑफ ऑल दी क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है, CLT का क्वेश्चन CTET के अंदर काफी ज्यादा पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि CLT का मेन मोटो क्या है, लैंग्वेज यूसेज करवाना, कम्युनिकेशन कराना, एंड ये कैसी एक्टिविटी है, स्टूडेंट सेंटर्ड या कह लो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं देयर आर 44 साउंड्स, इंग्लिश के अंदर लगभग 44 साउंड्स हैं, कहते हैं इनमें से बताओ कितनी साउंड्स आपकी वोवल्स हैं और कितनी साउंड्स आपकी कॉन्सोनेंट्स हैं। जिन बच्चों को भी ये नहीं पता उन्हें ये आंसर पता हो, मैंने यहाँ पे लिखा है फोनीम, बेसिकली कह लो जो आपका यूनिट होता है साउंड का यूनिट, जो भी आपकी साउंड्स आती है अ आ ई ओ, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स, इन्हें हम फोनीम्स बोलते हैं। ये आपके कॉन्सोनेंट्स जो हैं ए ई आई ओ, तो वो तो सब वॉवल्स रहते हैं आपके, कॉन्सोनेंट जैसे बी सी डी एफ, ये सब आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप ध्यान रखना टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 वॉवल्स हैं। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं लगभग टोटल, इंग्लिश में 20 वॉवल्स हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये जो भी लिखे हुए हैं सारे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता हो कि इंग्लिश के अंदर टोटल 12 प्योर वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ, ये डॉटेड ओ डैश, ये आपको जो भी दिख रहे हैं लगभग 12 प्योर वॉवल्स हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिटेल में नहीं आते हैं। एंड देयर आर 8 ग्लाइड वॉवल्स या जिन्हें हम क्या बोलते हैं डिपथोंग्स, ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि मैं आपको दो चीजें समझाना चाहती हूँ, एक मैं आपको ये वर्ड बताना चाहती हूँ मोनोफथोंग और एक ये वर्ड बताना चाहती हूँ आपको डिपथोंग, क्योंकि ये CTET के अंदर या जितने भी आपके और स्टेटेट के एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो ये मोनोफथोंग होता है, कहते हैं इट इज अ मोनोफथोंग इज वेयर देयर इज अ वन वॉवल साउंड इन अ सिलेबल, जब एक वर्ड में सिर्फ एक वॉवल साउंड आती है वो मोनोफथोंग है, जब एक वर्ड के अंदर आपकी टू वॉवल साउंड आती है दैट इज डिपथोंग। जैसे आप एग्जांपल यहां देख सकते हो मोनोफथोंग का बर्न, इसके अंदर आप देखते हो यू एक ही वॉवल आउन है, एक ही वॉवल आपकी साउंड है, आप बोल रहे हो वन माउथ मूवमेंट है बर्न, अ एक साउंड, जस्ट एक ही साउंड आ रही है, दैट इज वन माउथ मूवमेंट, या कह लो इसमें वन वॉवल है एक तरह से, आप ये भी देख लो, तो ये आपका क्या है मोनोफथोंग। और अगर मैं डिपथोंग देखूं, ये देखो मेल ए आई दोनों की इकट्ठे साउंड आ रही है, कंबाइंड वॉवल साउंड है, इसमें टू वॉवल्स है, दैट इज डिपथोंग। ये आपका क्वेश्चन CTET में काफी बार आ चुका है कि जो जिसमें आपकी टू वॉवल साउंड आती हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं डिपथोंग, जिसमें आपकी वन वॉवल साउंड आती है हम उसे क्या बोलते हैं मोनोफथोंग, एंड टोटल आपके वॉवल्स जो इंग्लिश में दैट आर 20। The main difference is that a monophthong is a phoneme that consists of only one vowel sound and a diphthong is a phoneme that consists of two vowel sounds that are connected or linked to each other.
ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना। एंड आपके लिए एक एक्टिविटी देखती हूँ, आप नेक्ट पे थोड़े से और डिप्थोंग्स और मोनोफोथोंग के एग्जाम्पल सर्च करो और मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर एग्जाम्पल्स मैसेज करना। आई विल चेक कि आप लोगों ने ठीक मैसेज किए हैं या नहीं, क्योंकि आपको सीटेट के अंदर एग्जाम्पल लिखा आ जाता है कोई भी और आपको उसमें से बताना होता है कि ये डिप्थोंग है या मोनोफोथोंग है। तो आपके लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको ये कंसेप्ट भी पता लगेगा कि समझ आया है नहीं। तो आप प्लीज अपने कमेंट के अंदर इनके दोनों के एग्जाम्पल्स मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते जो ग्रामर है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए हमें। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन, बच्चे को प्रॉपरली अच्छी तरह हर चीज एक्सप्लेन करो। दूसरा ऑप्शन कहता है एनेबल करो प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या लिखवा रहे हैं उसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, उन्हें बोलो आप रूल्स को याद करो, या मेक लर्नर्स टू डू रिटन असाइनमेंट, असाइनमेंट्स को लिखो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये टेट के एग्जाम्स, चाहे सी टेट हो चाहे पंजाब टेट हो, ठीक है, उसमें ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपके जैसे इंग्लिश पढ़ाने के भी आपके काफी सारे मेथड्स होते हैं जो मैंने मेंशन किए थे, सिमिलरली आपके ग्रामर पढ़ाने के भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, लाइक डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। ये एक और मेथड है कंटेक्चुअल मेथड, जिसको इंसिडेंटल मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स जो आंसर है यहाँ पे वो आंसर है बी। जिन बच्चों को भी नहीं पता कंटेक्चुअल मेथड या इंसिडेंटल मेथड क्या होता है, वो एक बार ही जान लिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं क्लास में उसको कोई स्टोरी बता रही हूँ अबाउट अ क्रो, जो क्रो है वो प्यासे, एक होते ना प्यासे पानी वह होता है, और उसमें क्रो एक जो आपका ये होता है मटका होता है, इसके अंदर जाके वो अपनी चोंच डालता है और पानी को लेके आता है। तो जब टीचर क्लास में स्टोरी सुना रही होती है तो ऐसे कह रही होती है कि बच्चों देखो एक था क्रो और वो बहुत ज्यादा प्यासा था। फिर टीचर थोड़ा सा पॉज लेती है और फिर बोलती है अच्छा चलो बच्चों बताओ ये मैं कब की बात कर रही हूँ, ये मैं पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, ये मैं अब की बात कर रही हूँ, या ये मैं आने वाले समय की बात कर रही हूँ। तो इवेंचुअली बच्चे क्या बोलेंगे, मैम ये तो आप पुराने टाइम की बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो कि एक क्रो था और वो प्यासा था। तो बच्चे, फिर टीचर बोलेगी तो बच्चे ये देखो ये कौन सा टेंस हुआ आपका, पास्ट टेंस। जब हम आज की बात करते हैं वो हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर मैं बोलती वो देखो बच्चों वो बैठा है एक क्रो और वो देखो वो प्यासा बैठा हुआ है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। इस तरह जब हम बच्चे को कंटेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं, चाहे पैरा पढ़ा रहे हैं, और उसको साथ साथ हम ग्रामर पढ़ाते जाए, उसको टेंसेस पढ़ाते जाए, उसको बताते जाए कि कहाँ पे प्रेपोजिशन आ रही है, कहाँ कंजक्शन आ रहे हैं, वो मेथड आपका बेस्ट मेथड है, ठीक है। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल मेथड या इंसिडेंटल मेथड। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी। ग्रामर को आपने हमेशा ध्यान रखना है कैसे पढ़ानी है, बाय एनेबलिंग द प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट, या जिस मेथड को हम इंसिडेंटल मेथड भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रामर ये हम थोड़ा सा रीड कर रहे थे, ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इश्यूज है, कहते हैं लैंग्वेज पढ़ाने का, लैंग्वेज टीचिंग का। कंटेक्स्ट बेस्ड ग्रामर होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इफेक्टिव, अच्छी लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेक्स्ट बेस्ड ग्रामर। ग्रामर रूल्स बहुत इससे इजियर हो जाते हैं, जो भी जैसे टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये बहुत इजीली बच्चे को समझ आने लग जाते हैं। ग्रामर रूल्स आर मेड इजियर इफ दे आर गिवन इन अ कंटेक्स्ट, एंड टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी इन द टारगेट लैंग्वेज। फिर बच्चे को हम जो भी टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसमें उसकी कमांड हो जाएगी और वो इजिली जल्दी सीख जाएगा। अगर उसको जो भी आप कंटेक्स्ट पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ उस कंटेक्स्ट के थ्रू ही आप बच्चे को ग्रामर पढ़ाते जाओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये भी एक टर्म का क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स या सिंटेक्स। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है, फर्स्ट दैट इज सिमेंटिक्स। जब भी आप इंग्लिश पेडागोजी शुरू करोगे, जब भी टर्म्स पढ़नी स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट चीज यही पूछी जाती है कि व्हाट आर सिमेंटिक्स। जो भी आप ये वर्ड्स पढ़ते हो, आप इन वर्ड्स के मीनिंग पढ़ते हो, इनको समझते हो कि ये क्या होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक मीन्स द मीनिंग एंड
इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स कह लो, साइंस कह लो एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सिमेंटिक्स कैन ऑल्सो रेवर टू दी ब्रांच ऑफ स्टडी विद इन लिंग्विस्टिक्स के अंदर दैट डील्स विद लैंग्वेज एंड हाउ वी अंडरस्टैंड देयर मीनिंग. जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हो, जैसे मुझे ये सिग्नल समझने हैं तो मैं कैसे समझती हूँ कि ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, गो, रेड लाइट का मतलब क्या है, स्टॉप. मतलब मैं इनके वर्ड्स के मीनिंग समझ रही हूँ, ठीक है, इन वर्ड्स के मतलब समझ रही हूँ. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स. द फर्स्ट स्टेप इन व्हेन यू स्टार्ट योर डूइंग योर इंग्लिश पेडागॉजी कि आप वर्ड्स को पढ़ते हो और उनके मीनिंग्स को समझते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम, उसका जो भी एक वर्ड है उसका मीनिंग उसे कहां से मिलता है. कंटेक्स्ट से मिलता है, डिक्शनरी मिलता है, स्पेलिंग से मिलता है, ओरिजिन से मिलता है. ये हमने अभी एक पहले किया भी था, इटाइमोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. कोई भी वर्ड है ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होएगा, किसी दूसरी भाषा से या किसी दूसरे देश से, कहीं ना कहीं से वो वर्ड आया ही है, तभी वो नया वर्ड बना है. इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, चाउमीन बना है चाइनीज से, अलजेब्रा बना है अरेबिक से, इस तरह आपके. ठीक है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी का ही क्वेश्चन है. कहते हैं गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश क्या इन्वॉल्व करेगा. आप उसमें पंक्चुएशन मार्क्स अच्छी तरह डालो, आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए या लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए. अब इसमें पहले तो ये कोहरेंस वर्ड का मतलब बता दूं. और यहाँ जो ये कोहरेंस वर्ड है वो देखो, द वे अ टेक्स्ट मेक्स सेंस टू रीडर्स एंड राइटर थ्रू द रेलेवेंस एंड असेसिबिलिटी ऑफ इट्स कन्फिग्रेशन ऑफ कंसेप्ट आइडियाज एंड थ्योरीज. ऑफ कोर्स इसका आंसर कुछ देख के पता ही लग रहा है कि बी होगा. एक गुड पैराग्राफ राइटिंग में ऑफ कोर्स सिर्फ पंक्चुएशन या अच्छी लैंग्वेज या अच्छी राइटिंग ही नहीं देखी जाएगी. पैराग्राफ आप जब भी, जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम में लिखते हो, बहुत 20 कभी कभार लॉन्ग एसे में 25 मार्क्स के आपको एसेज आते थे या छोटे छोटे पैरा आते थे आपको 5 to 6 मार्क्स में. बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने जो आइडिया अपना कैसे प्रेजेंट किया, आपने कैसे अपने उसमें थॉट्स डाले, अपना एक्सप्रेशन डाला है, कैसे आपने उसको क्रिएटिविटी लिखा है, कैसे उसे प्रेजेंट किया है और कैसे वो रीडर को अच्छी तरह प्रॉपरली समझ आ रहा है. ये बेसिकली कोहेरेंस भी यही है कि कैसे आपका कंसेप्ट, आइडिया और थ्योरी जो भी आपने लिखा है वो समझ आ रही है. तो ऑफ कोर्स एक गुड पैराग्राफ इन राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व यही चीजें करता है, आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, की वो आपका जो भी आपका रीडर उस पैराग्राफ को पढ़ रहा है उसको बहुत प्लीजिंग लगना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उसको बोरिंग लगना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. कहते चिल्ड्रन कैन लर्न अ लैंग्वेज बेस्ट, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज वेन दे आर हैविंग, उनके पास एक अच्छी टेक्स्ट बुक है, उनके पास एक अच्छा लैंग्वेज टीचर है, उनके पास कोई इनहिबिशन है या मोटिवेशन है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ साइकोलॉजी टाइप बेस्ड भी है. बच्चा अच्छी तरह लैंग्वेज को तभी सीखेगा जब आप उसको क्या करोगे, आप मोटिवेट करोगे. क्लास में जब टीचर के पास इतनी तरह के बच्चे आते हैं, जैसे हर एक लैंग्वेज के अलग अलग बच्चे, बिहार से हो गया, मलयालम से हो गया, पंजाबी बैकग्राउंड से हो गया, हरियाणा बैकग्राउंड से हो गया, किसी की भी लैंग्वेज को कभी निग्लेक्ट नहीं करना है. क्लास में डाइवर्सिटी को आपने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करना है एंड बच्चे को मोटिवेट करना है, ना कि उसको निग्लेक्ट करना है. तभी जो भी बच्चा है, अगर वो सारे मिलके इंग्लिश सीख रहे हैं वो प्रॉपरली इंग्लिश सीखेंगे, अगर सारे मिलके वो हिंदी सीख रहे हैं वो हिंदी सीखेंगे, इफ यू properly motivate them and not demotivate them. ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चे लैंग्वेज कब अच्छी तरह सीखेंगे, जब आप उन्हें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, बच्चा भाषा अर्जित कब करेगा, जब टीचर उसको ग्रामर के रूल्स पढ़ाएगी, जब वो बच्चे को अवार्ड देगी, जब वो टीचर उसका एक्सपोजर करेगी टू लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज है, जो भी पढ़ रहे हैं क्लास में, उसको उतना ज्यादा बच्चे को माध्यम देगी कि वो उतना ज्यादा उस लैंग्वेज में बोल सके, या चाइल्ड एब्जॉर्ब करे लैंग्वेज को विदाउट कॉन्शियस अटेंशन,
कि बच्चा ज्यादा ना ध्यान देता है, बस जैसे भी क्लास में लैंग्वेज बोली जा रही है वैसे वैसे बच्चा लैंग्वेज एब्जॉर्व करता जाए। ऑफकोर्स इसमें आंसर अगर मैं आपको बताऊंगी, हमें रूल्स वगैरह पे कभी भी आप ध्यान रखना है, इंग्लिश में फोकस नहीं करना है, हमें हमेशा जो भी लैंग्वेज है उस चीज के लिए बच्चे को एक्सपोजर देना है। और आपको पता है आप एक्सपोजर कैसे दोगे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हिंदी का पीरियड है बच्चे सारे सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश का पीरियड है बच्चे सारे सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपोजर है ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज। इससे क्या होगा, जो भी कोई अगर अलग देश का बच्चा है उसकी अलग लैंग्वेज है, वो बहुत इजीली इजीली नई लैंग्वेज सीख जाएगा, रेदर देन अगर आप उसको रट्टे लगवाओ कि ये लैंग्वेज के वर्ड है इसको ऐसे ऐसे याद कर ले। कभी भी आपने ऐसे ही नहीं करना है। ये सेम क्वेश्चन ऐसे हिंदी पेडागोजी में भी आ जाता है, पंजाबी पेडागोजी में भी आ जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखना, यू हैव टू गिव द एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस वेयर बाय चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, स्लोली स्लोली दे एक्वायर द लैंग्वेज, जो भी उनकी लैंग्वेज है धीरे धीरे बाय एक्सपोजर दे कीप ऑन एक्वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ द ऑर्गेन इन द ब्रेन विच अलाउज द चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेजेस, बिहेवियरिस्टिक एक्विजिशन टू, लैंग्वेज एक्विजिशन टू, वर्ड क्रंचर या लैंग्वेज टूल। ऑफ कोर्स आई थिंक आपने काफी बार ऑप्शन सुना भी होगा या कई बच्चों को ये पता भी होगा, आंसर इसका क्या है, बी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये डिवाइस है ब्रेन, ये ऑटोमेटिकली ऐसे बन के आता है कि हम बहुत इजिली लैंग्वेज को अर्जित कर लेते हैं एंड इजिली सारी लैंग्वेजेस को जो भी है उनको, जो भी जिसकी मदर टंग है, जिसकी हिंदी है, जिसकी इंग्लिश है, जिसकी पंजाबी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी डेफिनेशन है जो बेस्ट डिफाइन करती है लिंग्विस्टिक को, पैरासाइट्स दैट अटैच देमसेल्फ टू द टंग देयर बाय अफेक्टिंग पर्सन्स एबिलिटी टू स्पीक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज यूज्ड, द एबिलिटी टू फिगर, द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। ऑफकोर्स लिंग्विस्टिक वर्ड ही क्या डिनोट करता है आपका, लैंग्वेज। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, बी, इट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, वो कैसे वर्क करती है और उसको कैसे यूज करते हैं। ये भी एक टर्म का क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना, लिंग्विस्टिक की आपको डेफिनेशन आ जाती है, इट इज द साइंस इन द सेंस दैट इज साइंटिफिकली स्टडी रूल सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक वर्ड का मतलब ही आप ध्यान रखना लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं और उस मेथड के क्या क्या नाम है, नेचुरल मेथड, इनडायरेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। मैंने ये पिक्चर डाली हुई है, आप इसको प्लीज याद कर लेना। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश दैट इज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन द सेम लैंग्वेज, टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज इन द सेम लैंग्वेज एंड नॉट यूजिंग द मदर टंग। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और इस मेथड के ये सारे नाम है जो आप याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है वही लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में रहना, तो नेचुरल मेथड बोलते हैं तभी इसको, फोनेटिकल मेथड, रिफॉर्म मेथड या एंटी ग्रामेटिकल मेथड, क्योंकि रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करता इसलिए इसको क्या बोला गया, एंटी ग्रामेटिकल मेथड। ये चार नाम है जो डायरेक्ट मेथड के और हैं, प्लीज इसे याद कर लेना, काफी ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये मैंने बताया था, ये वाला मेथड क्या कहता है कि हमने बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ानी है। तो कहते हैं किस पे स्ट्रेस करता है, एक्यूरेसी पे, फ्लुएंसी पे, एप्रोप्रिएटनेस पे या लिसनिंग स्किल में। अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, वो सबसे पहली बात तो आपको ये पता हो, दैट वॉज द ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पुराना मेथड था। ठीक है, हर एक टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करके, जो भी बच्चे की मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था, तो ये मेथड ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था। इसके बेसिकली काफी सारे डिसएडवांटेज थे कि ये देखो, ये मेथड कहते हैं फोकस करता है टीचिंग अबाउट लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है उस पर फोकस करता है, ना कि इट इज नॉट गुड एट टीचिंग द लैंग्वेज,
ठीक है, स्पीकिंग भी जो कह रहे हैं, स्पीकिंग और एनी काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी आउटपुट वॉज मिसिंग, इसमें लिसनिंग या स्पीकिंग स्किल्स पे नहीं ध्यान जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, स्टूडेंट्स भी लैक करते हैं एक्टिव रोल इसमें, बहुत ज्यादा लिटल अटेंशन है टू कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब इन सारी चीजों पे नहीं ध्यान दिया जाता, तो फिर ध्यान किस पे दिया जाता था, इस पे ध्यान दिया जाता है सिर्फ एक्यूरेसी पे, बट इसमें बस इसमें ये देखते थे कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है क्या उसको बच्चा मदर टंग में ट्रांसलेट करके एक्यूरेटली बोल पा रहा है या नहीं, ना इस पे फ्लुएंसी मतलब क्या बच्चा बोलने में अच्छा है, अप्रोप्रिएट मतलब क्या बच्चा प्रॉपरली यूज कर रहा है, क्या बच्चा प्रॉपरली लिसन कर रहा है, स्पीक कर रहा है, इन सब चीजों पे नहीं ध्यान दिया जाता था, इसमें सिर्फ ध्यान दिया जाता था एक्यूरेसी पे, बस बच्चे ने क्या प्रॉपरली उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बोल दिया लैंग्वेज को या नहीं, इसलिए ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं माना गया है, इसलिए काफी सारे न्यू मेथड्स हैं जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मेथड्स आए हैं और बच्चों को पढ़ाए गए, जो कि मैंने आपको पहले अभी सारे डिस्कस भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका ये जर्नी है फॉर एग्जाम फ्रॉम एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंसिडेंटल या ऑल ऑफ दी अब, ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा जाता है पेडागोजीज में, कोई भी पेडागोजी, हिंदी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी, आपके दो मेथड्स होते हैं डिडक्टिव या इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम पहले रूल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल करते हैं, और इंडक्टिव में पहले हम कोई भी एग्जाम्पल को करते हैं फिर हम रूल बनाते हैं, जैसे वाइस वर्सा भी, ऐसे भी आप मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हम डिडक्टिव को जर्नलाइजेशन कोई जर्नल कंसेप्ट से स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे जाते हैं, और इंडक्टिव में हम बोल सकते हैं हम कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल से फिर जर्नलाइजेशन बनाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। अब ये कह रहा है फॉर्म एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन, ये एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन, फिर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा इंडक्टिव, ये हमारे मेथड्स है, ऐसी इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो भी सेम, ये इंडक्टिव में हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनाते हैं, ऑब्जर्व करके फिर हमने थ्योरी बनाई, मतलब कह लो पहले हमने एग्जाम्पल्स वगैरह देखे फिर हमने रूल्स वगैरह बनाए, थ्योरी बनाई, और डिडक्टिव में उल्टा है, हमने पहले थ्योरी बनाई एंड फिर हमने कंफर्मेशन की, फिर हमने ऑब्जर्वेशन की। नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको थोड़ा सा जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मैं इंडक्टिव का देखूँ, इंडक्टिव था एग्जाम्पल टू रूल, जैसे ये है क्वेश्चन, एवरी क्विज हैज बीन इजी, इसलिए देयरफॉर वो कहता है हर टेस्ट इजी होगा। एग्जाम इंडक्टिव में मैंने बताया था, इंडक्टिव बेसिकली क्या है, हमने ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनाई या एग्जाम्पल से रूल, अब मैंने नोटिस किया कि हर क्विज जो टीचर डाल रही थी वो बहुत इजी डाल रही थी, मतलब जो भी आगे टेस्ट आएगा वो इजी आएगा, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया एवरी क्विज इज इजी, और जो मैंने अपना रूल बना लिया या मैंने थ्योरी बना ली वो बना ली कि हर टेस्ट भी क्या होगा इजी होगा, सो दिस इज वॉट इंडक्टिव रीजनिंग, एग्जाम्पल टू रूल या ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, और डिडक्टिव इसका उल्टा है। डिडक्टिव में जैसे एग्जाम्पल दिया है कि एक कैटलॉग कहती है कि जितने भी फ्रेशमैन एंटर करेंगे दे मस्ट टेक अ मैथमेटिक प्लेसमेंट टेस्ट, जो भी कोई फ्रेश बच्चा है, जैसे मैं अगर बच्चे का एग्जाम्पल ले लूं, कोई फ्रेश बच्चा है जो एंटर करेगा क्लास में, उसको पहले टेस्ट देना है फिर वो अंदर जाएगा, ये वो हो गया कि थ्योरी से फिर ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब या कह लो रूल टू एग्जाम्पल हो गया कि पहले रूल बना दिए वो टेस्ट लेगा उसके बाद वो क्लास में जाएगा, कंक्लूजन है यू विल हैव टू टेक द मैथमेटिक प्लेसमेंट टेस्ट, ये हो गया रूल टू एग्जाम्पल, या आप इसको बोल सकते हो आपका थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज वॉट डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए हो, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ये भी एक टर्म है, काफी ज्यादा पूछी जाती है, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज कलेक्ट करना किसी टॉपिक पे, मेंटल एक्सरसाइज करना, एफर्ट करना किसी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए, टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन। यहाँ पे देखो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन ही है, अपने माइंड को प्रॉपरली कह लो स्टिमुलेट भी करना एक तरह से, ये भी कह लो इसका जो, पर इन दोनों ऑप्शंस में से जो बेस्ट है वो ये है आइडियाज, इट इज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक इंटरेक्टिव ग्रुप प्रोसेस है टू डिवेलप, कोई भी क्रिटिसिज्म या जजमेंट नहीं कर जाती, इसमें आइडियाज जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स अबाउट कह लो कोई टॉपिक, कोई फोकस, गोल या प्रॉब्लम, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, ए है,
टर्म है, काफी ज्यादा पूछी जाती है, एक काइंड ऑफ हेल्प भी है इन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में अगर पूछे ना आपको बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे करानी है, तो आपने क्या बोलना, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कराओ उसके, काफी सारा उसको मोटिवेट करो कि वो आइडियाज डेवलप करे, ठीक है, और एक ग्रुप एक्टिविटीज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बच्चे की रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करोगे? आप उसको बोलो वो आंसर्स लिखे, या बी ऑप्शन उसको बोलोगे वो फोकस करे वर्ड्स पे जो कंटेक्स्ट के अंदर गिवन है टेक्स्ट में, वो वोकैबुलरी की एक्सरसाइज करे, या वो क्विज करे और वर्ड गेम्स खेले। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इजी, आपने ध्यान रखना है रीडिंग स्किल पढ़ने की स्किल है, आंसर्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्विज कराने का भी कोई फायदा नहीं है, वो कैब तो ये है कि आप डिक्शनरी बच्चे की प्रैक्टिस करा रहे हो। ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका क्या है, बी। आपने बच्चे को क्या बोलना है, वो वर्ड्स पे फोकस करे जो कंटेक्स्ट पे गिवन है टेक्स्ट के अंदर, उनको ध्यान ध्यान से पढ़े और प्रॉपरली प्रोनाउंस करे, इससे बच्चे का क्या होगा, रीडिंग स्किल बेस्ट डेवलप होगी। ये पेडागोजी का टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन इस तरह का रहता है, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ए भी नहीं बन रहा है, डी भी नहीं बन रहा है, सी आप सोचोगे, पर सी क्या है, वो कैब की हम प्रैक्टिस तब देते हैं अगर जिस बच्चे को वर्ड्स में प्रॉब्लम हो, डिक्शनरी में, मतलब डिक्शनरी की वर्ड्स में उसको मुश्किल हो रही हो। तो इसमें हमने तो रीडिंग स्किल उसकी एनहांस करनी है, पढ़ने की क्षमता, तो आप कह सकते हो कि बी ऑप्शन इसका होगा, उसको हम फोकस कराए ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट के अंदर आपके वर्ड्स आ रहे हैं उस पर भी फोकस करे वर्ड्स पे, और उनको स्लोली स्लोली आराम से पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द एडुटैब वीडियोज।